हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू सर गवर्नमेंट जॉब्स एंड ब्लॉग्स। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। और एक और इम्पोर्टेंट सेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ। सभी लोग, जितने भी लोग कल एसएससी सीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाली थी, है ना, एग्जाम को लेके, कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप जो है वो वहाँ पे एग्जाम देंगे और अच्छे तरीके से एग्जाम को करके आएंगे, तो यहाँ पे इतने कमेंट्स आए हैं। आप अगर सही से देखें तो कमेंट्स ना पूरे भरे पड़े हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं बच्चों के कि सर मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, ये चीजें आ रही हैं, मतलब देखो खत्म ही नहीं हो रहा, इतने कमेंट्स हैं, है ना। तो सोचा कि अगर आप लोग के मन में इतना कंफ्यूजन है चीजों को लेके, तो वो चीजें एक बार क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो अब बात करते हैं कि कल एग्जामिनेशन है ना, कल फर्स्ट शिफ्ट में किसी का होगा, किसी का सेकेंड शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। तो एक बार एग्जाम में जाने से पहले मैंने सोचा कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंच जाए तो कुछ चीजें क्लियर हो जाएगी और आप एग्जामिनेशन में एक बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, है ना। अब 120 प्लस स्कोर किस तरीके से हम लेके आएंगे। यहाँ पे चार सब्जेक्ट आपको दिया गया है, इंग्लिश है ना, क्वांट है, रीजनिंग है, जीके जीए। अब अगर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके जीए की, आपके पास 2 घंटे का समय दिया गया बेटा, 2 घंटे का समय आपके पास है, 120 मिनट का समय बिल्कुल दिया गया। बिल्कुल सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे, कोई बकवास नहीं, सीधी बात बिल्कुल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फालतू का बकैती नहीं करने वाले यहाँ पे। सबसे पहले हम जीए को लेके चलेंगे, है ना, सबसे पहले हिट करेंगे हम कहाँ, जीए वाले सेक्शन को करेंगे। अब 10 से 15 मिनट में जितना क्वेश्चन मेरा हो सकता है वो हो जाएगा, फालतू का समय वहां नहीं जाएगा मेरा, है ना। अगर जीए में जो क्वेश्चन हमको आया, चाहे वो स्टैटिक पोर्शन से पूछा गया, चाहे वो करंट अफेयर से पूछा गया, जहां से भी पूछा गया है बेटा, अगर वहां पे जो आ रहा है मतलब आ रहा है, जो नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। वहां पे बैठ के अगर हम उस क्वेश्चन के पीछे दिमाग अपना लगाना शुरू कर देंगे तो हमारा टाइम बीत जाएगा। अगर 2 घंटे का समय मान लो, अगर आपने 10 मिनट समय में आपने जीए का जो क्वेश्चन सॉल्व करना था सॉल्व कर लिया, बाकी के कुछ समय में जो क्वेश्चन आपको वहां आ रहे हैं, अब स्क्रीन पे मुंह लटका के बैठे हुए हैं कि सामने क्वेश्चन है और हमको नहीं आ रहा है और हम उस पर सोचे जा रहे हैं, ये सोचना जो वाला चीज है ना, ये मत करना। 10 मिनट में जितना सवाल हो जाएगा हो गया, हो गया, आगे बढ़ो, इंग्लिश सेक्शन पे आओ। इंग्लिश सेक्शन में आपके पास आरसी है ना, मतलब जो भी पोर्शन आपके इंग्लिश में पूछा जा रहा है उसमें आप कोशिश करो कि जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, सबसे पहले उसको हिट करो, सबसे पहले उसको हिट करो, चाहे जिस पोर्शन की बात करो, जो आपको आ रहा है, जो प्रश्न में आपका कॉन्फिडेंस अगर बिल्कुल 100% है ना, उसको हिट कर दो, बिल्कुल वहां हिट करो, उसको सॉल्व करो और आगे बढ़ते चलो। एक रिव्यू के लिए दिमाग में रखो कि मैंने ये सवाल नहीं किया है, लास्ट में समय बचेगा तो इसको हम देख लेंगे। इंग्लिश में भी वही काम करना है, चाहे वो क्लोज टेस्ट है, चाहे वो पैराजम्बल्ड है, चाहे वो एंटोनिम्स है, चाहे वो सिनोनिम्स है, चाहे वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जो भी पोर्शन है, अगर आपको आ रहा है ध्यान से बनाओ, सही सही बनाओ, 100% एक्यूरेसी के साथ बनाओ और आगे बढ़ते चलो। बैठ के किसी भी क्वेश्चन पे सोचना नहीं है, पहला टेक में जो पहला टेक आपने लिया है उसमें सोचना नहीं है किसी पे बैठ के, जो आ रहा है आ रहा है, जो नहीं आ रहा है उसको साइड करो, आगे बढ़ो, लास्ट में देख लेंगे हम, ठीक है। जीए हो गया, इंग्लिश हो गया, अब हम बात कर लेते हैं सीधा रीजनिंग पे। तीसरा आपको हिट मारना है रीजनिंग पे, 50 क्वेश्चन। रीजनिंग इजी सब्जेक्ट है, एसएससी में रीजनिंग जो है वो कुछ बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है ना, तो आपके पास चांसेस है कि आप ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, समझिएगा इस चीज को, आप ज्यादा क्वेश्चन हिट कर पाएंगे वहां, जितना हिट कर पाएंगे उतना मार्क्स आपके बनेंगे। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं रखा गया, नो सेक्शनल कट ऑफ इज देयर, ठीक है। अगर सेक्शनल नहीं रखा गया है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप लोग जाके वहां पे निगेटिव मार्किंग करके चले आएंगे, निगेटिव मार्किंग में रखा गया है 1/4 का। फालतू के सवाल यहाँ पे सॉल्व नहीं करने, ठीक है, फालतू के सवाल कोई सॉल्व मत करना, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना, जिसमें आपको लग रहा है कि 90-95% श्योर है तब आप उस क्वेश्चन को कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। 50-50 नहीं खेलना है वहां पे, करोड़पति नहीं खेलने जा रहे हैं कि आपको फोन ऑफ फ्रेंड मिलेगा, आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगा, नहीं मिल रहा है बेटा, जो करोगे करोगे, जो गलत हुआ गलत हुआ, जो सही हुआ वो सही हुआ, समझो इस चीज को। तो रीजनिंग में कोशिश करो कि आप 40-45 क्वेश्चंस कर जाओ, सही सही बिल्कुल 100% एक्यूरेसी, 45 क्वेश्चन मतलब 45 नंबर, उसमें 44 नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम क्वांट की, ठीक है, मतलब एक घंटे के समय में 60-65 मिनट में आपको रीजनिंग, इंग्लिश और जीए, ये तीनों निपटा लेना है, बाकी के 50-55 मिनट आप मैथ को दीजिए,
ठीक है, 50-55 मिनट में अगर आप मैथ को हिट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एसएससी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब मैथ की प्रैक्टिस काफी करते हैं, चाहे वो राकेश यादव की किताब से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाली किताब से कर रहे हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लेके रखे हैं, मैथ की प्रैक्टिस वो बहुत करते हैं। तो ये माना जाता है कि जो एसएससी वाले विद्यार्थी हैं उनका मैथ जो है वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पोर्शन माना जाता है। तो भैया अगर माना जाता है तो 50-55 मिनट बचा के रखो मैथ के लिए, और मैथ में फिर जो 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आएगा, जो आपके सामने आने वाला है, उसको हिट करो। उस 50-55 मिनट में कोशिश करो कि आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर कर पाएं और सही सही बना के बिल्कुल सही उत्तर वहां पर ठोक के आ जाए। और कोई विधि नहीं है, यही 100% प्रूवन मेथड है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई रामबाण नहीं है, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है। ये जो रामबाण और ब्रह्मास्त्र आप देखते हैं ये सब कुछ नहीं है, जो रियलिटी आप एग्जामिनेशन हॉल में दिए, हम भी झेल चुके हैं बउआ एग्जामिनेशन में हॉल में रियलिटी क्या होता है ना, वो चीजें जो एग्जाम देने जाता है उसको पता होता है, ना कि जो बाहर बैठ के बकैती करता है उसको पता होता है। तो इस चीज को बिल्कुल समझ के चलना, कोई गलती मत करना। यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स कल मैंने काफी पढ़े हैं, आप लोगों ने काफी कमेंट किए हैं, सर मेरा इतना नंबर बन रहा है, सर मैं इस कैटेगरी से हूँ, सर क्या मेरा बनेगा, नहीं बनेगा। बेटा क्यों नहीं बनेगा, अगर आप 110 120 स्कोर कर रहे हैं तो बेटा पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल बनेगा, आप बिल्कुल क्रॉस करेंगे। कितना वैकेंसी है, 4,500 वैकेंसी आया है, मानते इस बात को, ठीक है कि हम अप्रोक्स 4,500 वैकेंसी मान के चलते हैं, पिछले सालों से ज्यादा वैकेंसी है, 3 गुना ज्यादा है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा कम ही जाएगा, मान लीजिए इस बात को, 105 110 बहुत हुआ, लेकिन फिर भी आपको सेफ खेलना है ना। विराट कोहली अगर पिच पे जाता है तो उसका भी टारगेट रहता है कि मैं सेंचुरी मार के आऊं, कभी टारगेट नहीं होता कि मैं 50 स्कोर पे या 20 रन बना के आउट हो जाऊं, ऐसा नहीं होता है। बहुत दिमाग अगर आपका खराब हो, किस्मत खराब हो, तो उसका कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना किस्मत ना किसी का खराब होता नहीं है। ये एग्जामिनेशन है, ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये एग्जामिनेशन है। जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा वो सभी के लिए रहेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको अपना एक सीट पे आप लड़ने जा रहे हैं, आपको अपना सीट सुरक्षित करना है, सुनिश्चित करना है, तो बस उसी एक सीट के पीछे लड़िएगा। उस एक सीट के पीछे उस माँ बाप का जो चेहरा है, जो आपका सिलेक्शन देख के खुश होने वाला है, उसको सोच के अगर आप काम करेंगे ना, क्लियर, तो बस यही रहना है, स्ट्रेटजी रखेंगे आराम से ना, 120 125 115 120 125 तो आराम से करके आइएगा आप लोग, ये लिख के लीजिए, यही स्ट्रेटजी, यही सिक्वेंस रखिएगा अपने पेपर अटेम्प्ट करने का। ये नहीं कि जो टफ वाला चीज है ना पहले उठा लिए, फिर उसके बाद हम बाद में जब हमारा टाइम खत्म हो गया सर पे हाथ देके बैठ गए, अब क्या करूं मैं, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी नहीं बना सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं बच गया उतना, है ना। तो ये चीजें नहीं, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, एग्जाम मैंने काफी दिए हैं, काफी एग्जाम क्लियर किए हैं, काफी बच्चों को पढ़ाता हूं, है ना। अगर मैं मुझे मेरे बारे में अगर बात करोगे तो मैं ऑलिव बोर्ड प्लेटफॉर्म पे फैकल्टी हूँ, ऑलिव बोर्ड एसएससी पे मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का, काफी बच्चे से बात होती है, इंटरेक्शन होती है, उनके प्रॉब्लम्स को सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद ये चीजें बोलता आ रहा हूँ, है ना। अपने भी काफी एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे, तो इसीलिए जो मैंने आपको बताया है उस चीज पे काम कीजिएगा, वही चीज फॉलो कीजिएगा, फालतू के चीजों टफ चीजों को उठा के शुरुआत में मत लाइएगा, जो इजी लग रहा है आपको, जो सॉल्व कर सकते हैं, जो आपका फास्टली सॉल्व हो सकता है, उस चीज पे काम करते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते रहना, लास्ट में देखेंगे हम वो सब, है ना। तो आई होप आप सभी लोग इस चीज को जरूर फॉलो करेंगे, है ना। कमेंट में आप सभी लोग जरूर से जरूर अपने कमेंट डालना कि सर बिल्कुल सही बात है ये, मैं ऐसे ही करने वाला हूं, है ना। और उसके बाद देखना, इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि ये चीज काम करेगा और आप लोग अच्छा करके आएंगे एग्जामिनेशन में, गारंटी दे रहा हूं उस बात की, अगर ये फॉलो कर लिया आप लोग तो, ठीक है। चलो बेटा, बाकी आप लोग अपने शिफ्ट एग्जाम कहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा आप लोग कमेंट में डाल सकते हैं, है ना। बाकी और भी कोई क्वेश्चंस होंगे आपके तो पोस्ट कर दीजिए बेटा, मैं आपका जवाब दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने हर एक स्टूडेंट का क्वेश्चन लिया है और हर एक को रिप्लाई किया है, क्योंकि बेटा सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक गाइड चाहिए, सबको एक रिप्लाई करने वाला होना चाहिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, बताओ क्या करूं मैं। और मैं कोशिश करता हूं कि जितने बच्चे का कमेंट आ रहा है ना, मैं सभी का रिप्लाई करूं, और मैं इस वीडियो के नीचे भी करूंगा, एक एक कमेंट को एड्रेस करूंगा, एक एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए कल जाइए, अच्छे से एग्जामिनेशन दीजिए, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा गुड लक है, है ना, गॉड ब्लेस यू, पेपर में अच्छे करके आइए, ठीक है, फिर बात करते हैं। बाकी जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है ना, वो आपको कमेंट में मिल जाएगा,
वहां पे आप मेरे से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के बारे में बता सकते हैं कि पेपर कैसा रहा, किस तरह के सवाल आए, सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, चलो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा सब्सक्राइब भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, अच्छे करके आओ।